हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल कॉमर्स गैलेक्सी में। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं इग्नू एमकॉम फाइनल ईयर के पेपर MCO06 मार्केटिंग मैनेजमेंट पर। दोस्तों, अभी तक हमने टोटल 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं। चौथे चैप्टर का एक पार्ट भी रिलीज़ कर दिया हूँ मैंने। आज हम चौथे चैप्टर का आखिरी और फाइनल पार्ट को कवर करेंगे। दोस्तों, फोर्थ नंबर का जो चैप्टर है वो है कंज्यूमर बिहेवियर, माने उपभोक्ता का व्यवहार। तो आज के चैप्टर में हम फैक्टर अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर, माने उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित करने वाले घटकों का अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही स्टडी मेथड ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, माने उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित करने वाले घटकों का अध्ययन कैसे किया जाता है उस पर अध्ययन करेंगे, उस पर लेक्चर कवर करेंगे। और बाइंग डिसीजन प्रोसेस, माने एक कंज्यूमर, हम और आप, खरीदने से पहले उसका डिसीजन किस तरह से लेते हैं, सभी जानते हम, लेकिन एक छोटा सा लेक्चर कवर करेंगे ताकि एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन को हम अटेंड कर सके। लेकिन दोस्तों, इस नए टॉपिक को कवर करने से पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप इस चैनल में नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका फर्स्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। साथ ही साथ इस वीडियो को देखने के बाद यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूले। चलिए स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर, फैक्टर अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर। पहला पॉइंट दोस्तों, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में लास्ट लेक्चर में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया था, करीब करीब 35 मिनट का कुछ लेक्चर था। एक छोटा सा रिविजन टाइप का कर लेते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या है? कंज्यूमर है हम और आप। हम और आप जो भी व्यवहार, जो भी एक्टिविटी मार्केट या बाजार में करते हैं उसी को कंज्यूमर बिहेवियर कहा जाता है। हम अपना बाइंग डिसीजन या खरीदने से संबंधित जो भी निर्णय लेते हैं उसके लिए जो भी व्यवहार करते हैं उसी को कंज्यूमर बिहेवियर कहा जाता है। जैसे हमको कोई चीज़ खरीदना है या नहीं खरीदना है, पसंद है या नहीं पसंद है, पसंद आ रहा है तो उसकी कीमत क्या है, क्या हमारा जेब या हमारे बजट उसको पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, क्या वो दूर में मिलता है या हमारे घर के पास मिलता है। ये सब चीज़ें हमारी बिहेवियर है, हम जिस पे सोचते हैं खरीदने से पहले उसको बिहेवियर, कंज्यूमर का बिहेवियर कहा जाता है। तो कंज्यूमर के बिहेवियर को अफेक्ट करने वाले, प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से होते हैं? दोस्तों, इन घटकों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। इन घटकों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है, घटक को 4 भागों में बांटने का रीज़न ये है कि लिखने के लिए तो हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन अगर लिखते समय उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से लिखा जाए तो सामने जो पेपर को चेक करता है, एग्जामिनर रहता है, उस पर एक मेंटल इफेक्ट बहुत अच्छा पड़ता है कि बंदे को पता है वो लिखना चाहता है तो वो सिर्फ आपके पॉइंट्स को देख के, आपके लिखने के तरीके को देख के आपको नंबर दे देगा। और यकीन मानिए दोस्तों, मार्केटिंग मैनेजमेंट बहुत इजी चैप्टर है। हमारे आपके बिहेवियर, हमारे आपके व्यवहार, हम और आप जो कंज्यूमर है, हमें अपने ही चीज़ों को इस पे लिखना है, बस लिखने का एक तरीका सीखना है और उसके बारे में लिखना है। फैक्टर अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर, माने उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित करने वाले घटक, हिंदी में इसका नाम होता है। तो कौन कौन से घटक प्रभावित करता है? पहला पर्सनल फैक्टर, माने हमारे खुद के फैक्टर, हमारे खुद के कारण हमारे परचेसिंग डिसीजन को प्रभावित करते हैं। दूसरा होता है इकोनॉमिक फैक्टर, माने आर्थिक, जिसको बोलते हैं व्यक्तिगत घटक, इसको बोलते हैं आर्थिक घटक,
भाई हमारे खुद के घटक तो हमको प्रभावित करेंगे, हमारी पसंद नापसंद भाई खरीद तो लेंगे, लेकिन खरीदने के लिए क्या पैसा है हमारे पास, बजट है हमारे पास, वो भी हमारे क्रय निर्णय को प्रभावित करेंगे। फिजिकोलॉजिकल फैक्टर माने मनोवैज्ञानिक, मतलब है मनोवैज्ञानिक घटक, हमारा आंतरिक अंतरात्मा उसके लिए खरीदने के लिए बोल रही है या नहीं बोल रही है, क्या बोल रही है। कल्चरल इफेक्ट, सांस्कृतिक घटक, एंड एक होता है सोशल इफेक्ट माने सामाजिक घटक। तो सॉरी इसको चार नहीं, पांच भागों में बांट सकते हैं, हम पांच भागों में बांट कर अध्ययन कर सकते हैं। तो पहला होता है हमारा पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर का मतलब है व्यक्तिगत घटक। तो जब भी हम कोई क्रय निर्णय लेते हैं या बाइंग डिसीजन लेते हैं तो हमारे हमारे खुद के जो घटक है वो कौन कौन से होंगे, खुद के जो फैक्टर है जो हमारे बाइंग डिसीजन को प्रभावित करेंगे वो कौन कौन से होंगे। पहला एज, आयु, हमारी आयु। दोस्तों आयु कैसे प्रभावित करेगी, हमारी आयु हमारे क्रय निर्णय को प्रभावित करेगी। जैसे जब हम बच्चे होते हैं, चाइल्ड एज में होते हैं, जब हम बच्चे होते हैं चाइल्ड एज में होते हैं तो हमारा आवश्यकता क्या होती है, हमारी आवश्यकता होती है अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे चॉकलेट्स मिलना, अच्छे खेलकूद के सामान मिलना। तो बच्चों की आवश्यकता के हिसाब से बच्चों का क्रय निर्णय होता है। अब बच्चों का क्रय निर्णय कौन लेता है, उनके माता पिता। तो हमारे आवश्यकता को हमारे आयु प्रभावित कर रहे हैं। जब हम बचपन से निकल के टीनेज पे आ जाते हैं तो हमारी आवश्यकता बदल जाती है, जैसे अच्छे महंगे शूज परचेस करना, अच्छे मोबाइल्स परचेस करना, अगर हम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो अच्छे कपड़े लेना, अच्छे जीन्स लेना, अच्छे टी शर्ट्स लेना, अच्छे बैग्स लेना, अच्छे कैप्स लेना, अच्छी बाइक लेना, अच्छे साइकिल लेना अगर स्कूल में है। तो उपभोक्ता का जो आयु है उसी के बेस पे उपभोक्ता अपने क्रय निर्णय को माने अपने परचेस डिसीजन को लेता है। बचपन से निकल के टीनेज में आए, टीनेज से हम एडल्ट एज पे आएंगे, जब एडल्ट एज में आएंगे तो हम हमारी शादी होगी, जब शादी होगी तो वो भी आपके क्रय निर्णय को प्रभावित करेगी। भाई पहले तो आप अकेले थे, आपकी इच्छाओं के हिसाब से आप अपना खरीद रहे थे, लेकिन अब आप दुकेले हो गए, दो लोग हो गए, आप और आपकी वाइफ। तो आपको अब अपने लिए नहीं सोचना है, आपकी वाइफ के लिए भी सोचना है। तो ये भी आपके क्रय निर्णय को प्रभावित किया। इससे निकल के आप आगे बढ़ गए, एज वृद्धावस्था में आ गए, और भी एज होंगे थोड़ा सा आगे बढ़ते वृद्धावस्था में आ गए। तो वृद्धावस्था में आएंगे, बुढ़ापा आएगा, तो आपके क्रय निर्णय अलग हो जाएंगे। भाई इस एज पे आप बहुत कुछ ले रहे थे, अब यहाँ पे आपकी आवश्यकता दवाइयाँ हो जाएगी, भगवान ना करे किसी को दवाई की ज़रूरत पड़े, लेकिन नॉर्मली रहती है तो दवाई की आवश्यकता पड़ जाएगी। आपके पहनावे बदल जाएंगे, पहले आप जीन्स वगैरह पहनते थे तो अब आप कुर्ते धोती पैजामा ये सब पहनना चालू कर देंगे, पहले अच्छे अच्छे शूज़ लेते थे तो अब क्या हो जाएगा, स्लीपर्स चप्पल्स ये सब हो जाएंगे। तो व्यक्ति का जो एज होता है, जो आयु होता है, वो व्यक्ति के क्रय निर्णय को प्रभावित करता है। होप अंडरस्टैंड। सेकंड होता है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल का मतलब होता है जीवन चक्र। जीवन चक्र कैसे प्रभावित करता है, ये आयु पर ही डिपेंड है। जैसे अलग अलग आयु में अलग अलग प्रकार की आवश्यकताएं होती है, सेम जीवन चक्र भी वही होता है। एक पॉइंट है एग्जाम में लिखने के लिए, एक पॉइंट है, आप आयु एंड जीवन चक्र भी लिख सकते हैं। आप थोड़ा सा अपने को लिखने के लिए पॉइंट अच्छा दिखे, अच्छे से बड़े हो, आपके लिखने का पेज अच्छे से भरे, तो वो दिखाने के लिए एक जीवन चक्र बना दीजिए। जीवन चक्र में क्या होगा, जीवन चक्र में आप ऐसे बोल सकते हैं कि भाई जीवन चक्र बच्चे के उपभोक्ता के बचपन से शुरू होता है और वृद्धावस्था तक जाता है। तो बचपन की आवश्यकता अलग होगी, किशोरावस्था की आवश्यकता अलग होगी, टीनेज की आवश्यकता अलग होगी, एडल्ट एज की आवश्यकता अलग होगी, जैसे यहाँ बताया था मैंने। उसके बाद एडल्ट से बढ़ेंगे आप अधेड़ उम्र में आएंगे तो आपके बच्चे हो जाएंगे, जो आपके बच्चे थे आपके बच्चे होंगे, अब उनकी शिक्षा की आवश्यकता आएगी। आप वृद्धावस्था में जाएंगे तो बच्चों को सेटल करने की आपके
दिमाग में चलेगा। तो बच्चों के लिए नौकरी या बच्चों की शादी करना, ये सब के बारे में आपकी सोच होगी। तो इस सब के बेस पे आपका क्रय डिसीजन चेंज होगा। जब आप अकेले थे तो आप सब कुछ खरीद सकते हैं, आप शादी हो गया तो आपका अपने लिए डिसीजन थोड़ा सा कम हो जाएगा, आपके लाइफ पार्टनर के लिए बनेगा। आपके लाइफ पार्टनर और आपके बच्चे हो गए तो आप लोगों की आवश्यकता कम हो जाएगी, आप अपने बच्चों की आवश्यकता पर ध्यान देने लगेंगे। बच्चों के बच्चे हो जाएंगे तो आप अपने बच्चों की तरफ अब ध्यान देना कम करके अपने नाती पोती की तरफ ध्यान देना चाहोगे। तो आयु, एज, लाइफ साइकिल, ये आपके क्रय निर्णय को प्रभावित कर रहे हैं। लाइफ स्टाइल, दोस्तों लाइफ स्टाइल का मतलब होता है जीवन जीने की पद्धति। ये सभी का अलग अलग होता है, किसी का एक समान नहीं होती। जैसे पांचों इंगली एक समान नहीं होती है, एक बराबर नहीं है, सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। वैसे लाइफ साइकिल भी सबकी अलग अलग होती है। एक मान लीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं, लाइफ साइकिल कैसे हो सकता है। एक डॉक्टर है, डॉक्टर की लाइफ साइकिल अलग होगी, उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी, और एक मजदूर है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। तो जीवन जीने जीने का जो पद्धति है, तरीका है, वो हमारे क्रय निर्णय को प्रभावित करेगा। भाई एक गरीब आदमी अपने जेब में जितना पैसा होगा उसी के आधार पे वो खरीदेगा, और एक रईस आदमी अपने पैसे के आधार पर खरीदेगा, अपने उसका जेब उसको जितना सपोर्ट करता है। जैसे अमीर आदमी डॉक्टर होगा या इंजीनियर होगा, वकील होगा, या किसी बड़े कंपनी में एग्जीक्यूटिव होगा या डायरेक्टर होगा, तो उसकी इनकम काफ़ी अच्छी होगी, तो वो लग्जरी चीज़ों को खरीदना पसंद करेगा। तो उसकी इनकम, उसका लाइफ स्टाइल, वो बोलता है कि मेरे को ये लाइफ जीना है अपने समाज में अपने पोजीशन के हिसाब से, तो वो उसके बेस पे अपने क्रय निर्णय लेगा, लाइफ स्टाइल उसका उसी के बेस पे होगा। और एक मध्यवर्गीय या मजदूर या एक एग्जीक्यूटिव वगैरह, जो भी जिसकी सैलरी कम है, ड्राइवर वगैरह जिसकी भी सैलरी कम, माने जो भी जितना भी इनकम है, वो अपने जेब में जो भी उसका जेब जो उसको जेब जो भी उसको परमिट करेगा, उसकी बजट जो होगी उसके बेस पे वो परचेस करेगा। तो लाइफ साइकिल जो है उसको, उसके क्रय डिसीजन को प्रभावित करता है, व्यक्ति के क्रय डिसीजन को। पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व, व्यक्तित्व होता है पर्सनैलिटी का मतलब। अब व्यक्तित्व कैसे प्रभावित करेगी भाई, इसमें व्यक्तित्व का क्या काम है। व्यक्तित्व का काम तो बहुत ही मेन है ना। कैसे मेन है, एक व्यक्ति लंबा चौड़ा दिखता है और एक व्यक्ति नाटा ठिकना है। तो लंबा चौड़ा व्यक्ति क्या करेगा, उसके क्रय करने का डिसीजन उसके व्यक्ति के आधार पर, व्यक्तित्व के आधार पर होगा। वो उन्हीं दुकानों में जाना पसंद करेगा जहां पर उसके लंबाई के आधार पर कपड़े मिलते होंगे, और जो मिडिल हाइट का या कम हाइट का व्यक्ति होगा उसके कपड़े हर दुकान में मिल जाएंगे, तो उसको सोचना नहीं पड़ेगा, कहीं से भी वो खरीद सकता है। काला, गोरा, गंजा, बाल वाले, सभी चीज़ें व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करती है। तो ये उसके क्रय डिसीजन को प्रभावित करेगा। सपोज मान लीजिए एक आदमी गंजा है, टकला है, गंजा है, अब वो क्या करेगा, वो देखेगा यार समाज में जहाँ पे भी मैं काम कर रहा हूँ सभी बाल वाले लोग हैं, तो वो थोड़ा सा इन्फीरियरिटी कॉन्सेप्ट उस पर आ जाएगा, यार क्या है यार ये, माने लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं ऐसा लगेगा। तो उसके दिमाग में आएगा कि यार अभी तो ठीक है, अब नेक्स्ट जॉब में जब भी जाऊँ मैं, तो मैं इस पोजिशन में तो वहाँ ज्वाइन ना करूँ, मैं अपने सर पे अच्छा सा वीग लगा लूँ, ट्रांसप्लांट करवा लूँ, कुछ भी करवा लूँ, तो मैं दूसरों से दिखूँ। तो उसकी पर्सनैलिटी जो है, उसकी पर्सनैलिटी जो उसने मन में सोचा कि मेरे घने बाल होंगे तो मैं ऐसा दिखूँगा, उसके उस डिसीजन को लेने के लिए प्रभावित कर रहे हैं। माने उसको वीग खरीदने के लिए या हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए उत्साहित कर दिया। तो व्यक्ति का पर्सनैलिटी भी व्यक्ति के क्रय डिसीजन को प्रभावित करता है। ऑक्यूपेशन, नौकरी, जैसे मैंने बोला था भाई डॉक्टर इंजीनियर होगा तो उसकी सैलरी अच्छी होगी, तो वो विलासिता की या लग्जरी सामान खरीदेगा। एक कम आय वाला आदमी है जो कि नॉर्मल सा इनकम करता है या सरकारी डिपार्टमेंट में काम करता है, छोटा मोटा सा क्लर्क है, उसकी सैलरी कम होगी तो उसकी आवश्यकताएं कम होने लगेगी, आवश्यकताएं कम होगी क्योंकि उसका ऑक्यूपेशन, उसको उसका पैसा उसको ये प्रभाव बोलता नहीं है कि आपकी इनकम इतना है तो आप खरीदें।
हर व्यक्ति का ऑक्यूपेशन उसको प्रभावित करता है, क्योंकि ऑक्यूपेशन पर ही उसका इकोनॉमिकल कंडीशन डिपेंड करता है। यहाँ तो सरकारी कर्मचारी का एग्जाम्पल दिया, मेरे ख्याल से सरकारी कर्मचारी का एग्जाम्पल सही नहीं है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी चाहे वो चपरासी हो या क्लर्क हो, उसकी इनकम तो हमेशा ज़्यादा होगी, क्योंकि भाई कोई भी कुछ भी कर ले, चाहे कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी कुछ कर ले, लेकिन भ्रष्टाचार तो कम नहीं होगा। और भ्रष्टाचार सिर्फ यही नहीं करते, हम भी करते, हम भी अपना काम निकालने के लिए घूस देते। तो सरकारी कर्मचारी चाहे कैसा भी हो, उसकी इनकम हमेशा अच्छी होगी और उसके यहाँ सब कुछ मिलेगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि कम इनकम वाला आदमी, एक मजदूर या एक प्राइवेट कंपनी में छोटे पोजीशन पे काम करने वाला व्यक्ति की इनकम अलग होगी, तो उसके ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, उसका ऑक्यूपेशन उसको जो उसकी जीविका है, जो भी सर्विस करता है, पैसे कमाने का जो भी साधन है, वो उसके क्रेडिट डिसीजन को प्रभावित करेगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पर्सनल फैक्टर के अंदर आता है पहला एज, आयु, दूसरा लाइफ साइकिल, तीसरा लाइफ स्टाइल, तो चौथा होता है पर्सनैलिटी व्यक्तित्व, और पांचवा होता है ऑक्यूपेशन। और भी कुछ पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन मेन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट होता है हमारा इकोनॉमिकल फैक्टर, आर्थिक घटक। फ्रेंड्स, आर्थिक घटक क्या होता है? आर्थिक घटक का मतलब होता है, सिंपल सा मतलब है, पैसे से रिलेटेड घटक या कारक। भाई पर्सनैलिटी जो भी हो, जो भी जैसा भी हो, उसका व्यक्तिगत कारण, लेकिन जब भी खरीदने जाएगा तो पैसा ही मेन है। बिना पैसा के तो कोई भी दुकानदार आपको सामान देगा नहीं, तो पैसा होगा तो सामान मिलेगा। आप क्रय निर्णय को ये इकोनॉमिकल फैक्टर प्रभावित करता है, कैसे? पर्सनल इनकम, भाई जिसकी इनकम अधिक होगी वो उसका क्रय निर्णय उसी के बेसिस पे होगा, जिसकी इनकम कम होगी उसका क्रय डिसीजन, उसका पर्सनल डिसीजन उसकी इनकम के बेस पे प्रभावित होगा। सिंपल सा फैक्टर है पर्सनल इनकम, जो आपकी व्यक्तिगत आय है, जितनी आपकी सैलरी है, जितनी आपकी इनकम है, उतना ही उसी के बेस पे आप अपने क्रय निर्णय को प्रभावित करेंगे। मान लीजिए आपका सैलरी तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपने लोन ले रखा है, पर्सनल लोन ले रखा है, एक हाउसिंग लोन ले रखा है, एक आपने ले रखा है कार लोन, तो ये सब आपने किस बेस पे लिया था? पर्सनल इनकम आपका ज़्यादा है, इसलिए आपने ये सब ले लिया खरीदने के लिए। अब आपके पास ये सब काटने के बाद एक लमसम सैलरी बच रही, उसी के बेस पे आप अपने दैनिक जीवन को जीने के खर्चे वगैरह करेंगे, एक्सपेंस करेंगे। तो अगर आपको इसके बाद कुछ और लेना है, तो ये तीनों के इंस्टॉलमेंट काटने के बाद जो भी आपके पास बचेगा उसी के आधार पे आप लेंगे। तो पर्सनल इनकम का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी सैलरी में आपका टेक होम कितना आ रहा है, टेक होम के बाद आपके कट जो भी लोन वगैरह कट जाता है, उसके बाद जो बचता है उसके बेस पे आपका डिसीजन हो जाएगा। अगर लोन वगैरह नहीं है तो आपके पास बहुत अच्छी सैलरी है, तो आप उसी के बेस पे कार लेने का डिसीजन ले लेंगे, हाउसिंग लोन ले लेंगे, घर लेने का डिसीजन ले लेंगे। तो ये तो घर और कार खरीदने का निर्णय हो रहा है, ये आपके पर्सनल इनकम पर है। अब आपने घर और कार ले लिया, अब आपकी रिक्वायरमेंट हो गई है कि यार मैं एक एसी ले लेता हूँ, तो पहले तो आप देखेंगे यार ये घर और कार लेने के बाद, मेरी इंस्टॉलमेंट कटने के बाद, मेरे घर के राशन वगैरह खरीदने, स्कूल फीस भरने से रिलेटेड पैसा है या नहीं है। अगर वो सब पूरा होने के बाद आपका बचता है तो आप एसी ले लेंगे, तो आपका पर्सनल इनकम आपके क्रय निर्णय को प्रभावित किया। सेकेंड होता है फैमिली इनकम। भाई जैसे पर्सनल इनकम कब होता है? आपकी खुद की इनकम। फैमिली इनकम क्या होता है? अगर आप क्या बोलते हो उसको, अगर आप क्या बोलेंगे उसको कि सामूहिक फैमिली में रहते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, ऐसे अभी के टाइम पे तो मिलना मुश्किल है, लेकिन एक ऐसा होता था पहले, तो या दो या तीन भाई मिलके एक साथ रह रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, सब लोग अपनी अपना कंट्रीब्यूशन देंगे फैमिली को चलाने के लिए, कंट्रीब्यूशन देंगे। अब इसी कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे ही फैमिली के सामान को या आवश्यकताओं को खरीदने का डिसीजन लिया जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन के बेस पे लेंगे, तो फैमिली की आय जितनी अच्छी होगी, उस फैमिली का रहन सहन उतना अच्छा होगा, उसके बेस पे वो उसका क्रय निर्णय होगा। अगर फैमिली इनकम कम होगी, सभी लोग कम कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सबकी इनकम कम है तो कम कम कंट्रीब्यूट करेंगे, तो उनका लाइफ साइकिल थोड़ा लो होगा और उनका क्रय निर्णय उसी के बेस पे नीचे की ओर होगा। तो फैमिली इनकम भी हमारे क्रय निर्णय को प्रभावित करता है।
फ्यूचर इनकम, यार फ्यूचर इनकम क्या होता है, भविष्य में मिलने की संभावना है। मान लीजिए आप किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, आप सर्विस कर रहे हैं और आपको पता है कि साल आपकी सैलरी तो हर महीने आती है, लेकिन साल के ख़त्म होने पर आपको एक परफॉर्मेंस इंसेंटिव मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है, मान लीजिए 1.5 लाख मिलने वाला है। कब मिलेगा, अप्रैल या मई में मिलेगा। तो आप क्या करते हैं, आप जनवरी आते आते आप एक प्लानिंग करना चालू कर देते हैं आपकी वाइफ़ के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ, अपने भाई बहन के साथ या किसी के साथ भी, यार इस बार हम बच्चों के एग्ज़ाम हो जाएगा, अप्रैल मई में इंसेंटिव आ जाएगा, तो हम एक काम करते हैं, दार्जिलिंग टूर पे चलते हैं या मनाली टूर पे चलते हैं या सिक्किम भ्रमण में चलते हैं या देश के बाहर कहीं घूमने जाते हैं। यार चलो कुछ भी नहीं है यार, इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, मौसम विज्ञान में बोला है, तो एक काम करते यार, 2 रूम के लिए 2 AC ले लेते हम, AC ले लेते। तो ये जो फ्यूचर में इनकम मिलने की आपकी संभावना है, आपके क्रय निर्णय को प्रभावित कर रहा है, आपको क्रय करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है कि भैया मेरे को इनकम आने वाला है और इसको खर्च करना है। चला बचत की तो ऐसी की जैसी, हम तो खर्च करेंगे, ठीक है बचत भी करना चाहिए, खर्च भी करना चाहिए, दोनों में जीना चाहिए, फ्यूचर में भी जीना चाहिए, प्रेजेंट में भी जीना चाहिए। तो आपकी जो फ्यूचर इनकम है, जो भविष्य में होने वाली आय है, वो आपके क्रय निर्णय को प्रभावित कर दिया। सेम ऐसे ही होता है लिक्विड इनकम, लिक्विड का मतलब होता है तरल, लिक्विड जैसे पानी होता है ना, तुरंत हम पी सकते हैं, वैसे ही लिक्विड इनकम। लिक्विड इनकम में क्या होता है, कैश है आपके पास, बैंक बैलेंस है, डिवेंचर्स है या शेयर्स कैपिटल है, ये सब लिक्विड इनकम होता है, जिसको कि बेचने से तुरंत पैसे में कन्वर्ट हो जाता है, तुरंत पैसा आ जाता है। तो जिसके पास भी लिक्विड इनकम ज़्यादा होगा, उसका क्रय निर्णय उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। भाई हमारे पास पैसा है तो हमको कुछ सोचना ही पड़ेगा, क्रय करना है, परचेस करना है, रिक्वायरमेंट है परचेस करना है, तुरंत जाना है और ख़रीद लेना है। तो लिक्विड इनकम हमारे परचेस डिसीजन को इफेक्ट किया। सेम वैसे ही होगा क्रेडिट फैसिलिटी। भाई क्रेडिट फैसिलिटी क्या होता है, उधार मिलने की फैसिलिटी। जैसे आप किसी शोरूम में गए, पहचान वाला, आपने देखा, पसंद किया और बोला यार मैंने अभी सिर्फ कोटेशन लिया, आपसे रेट पता किया है, मेरी इनकम आने वाली, ये फ्यूचर इनकम आने वाली है, तो मैं आपसे मार्च में गए, मैं आपसे मई में ख़रीदूंगा ये चीज़, मैं सिर्फ रेट देख रहा हूँ। तो वो क्या बंदा क्या बोलेगा, सर आपको मई में तो ख़रीदेंगे ना, मई में आप पैसा देने वाले हो ना, एक बार में पैसा देके ख़रीदोगे, तो एक काम करो आप अभी ले जाओ, 10,000 रुपये मेरे को दे के ले जाओ, बाकी 40,000 का चीज़ है, आप 30,000 रुपये मेरे को मे में दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बिंदास लेके जाओ। वो इसलिए दिया क्योंकि वो आपको पहचानता है, क्रेडिट में दे दिया, और आपने भी क्या किया, चलो ठीक है मे में तो लूँगा, क्या क्या फ़र्क पड़ता है, मे में तो 40,000 दे के देने वाला हूँ, तो अभी ले लेते हैं 10,000 दे के, और 30,000 मैं ये फ्यूचर इनकम आने के बाद दे दूँगा क्रेडिट फैसिलिटी। सेम क्रेडिट कार्ड, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, उसमें क्रेडिट फैसिलिटी है, तो आप क्या करोगे, क्रेडिट कार्ड के बेस पे परचेस कर लोगे, 1 महीना 2 महीना 3 महीना धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में पे कर दोगे, तो क्रेडिट फैसिलिटी है, इकोनॉमिक फैसिलिटी है, क्रेडिट फैसिलिटी आपको मिल रहा है पैसा, तो आपने परचेस कर लिया। प्राइस लेवल ये भी इकोनॉमिकल फैक्टर है। प्राइस लेवल मतलब जिस भी माल का रेट अधिक होगा उसकी डिमांड कम होगी, अगर उसका रेट कम हो जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। सपोज V9 मोबाइल है वीवो का, उसकी मार्केट में जब आया होगा तो सपोज़ मैं करता हूँ कि 24,000 रुपये रहा होगा, तो बहुत कम लोगों ने लिया होगा, लेकिन इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन अब V9 की जगह और भी कई मोबाइल आ गए होंगे, तो मान लीजिए जब आया होगा तो V9 ने अपने रेट को गिरा के कर दिया होगा 22,000 रुपये कर दिया होगा। तो इसमें से क्या होगा, जितने लोगों ने नहीं लिया था तो उन्होंने बोला यार इसमें भी बहुत सारे फैसिलिटी हमको लेने की इच्छा थी, तो वो उस समय इसको परचेस कर लेगा। तो प्राइस लेवल भी एक इकोनॉमिकल फैक्टर है जो आदमी के या हमारे आपके क्रय निर्णय को प्रभावित करता है। नेक्स्ट होता है फिजियोलॉजिकल फैक्टर, माने मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक फैक्टर क्या होता है, ये होता है परसेप्शन, लर्निंग एंड मोटिवेशन। परसेप्शन क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में एक राय बना लेना। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम ये बोल सकते हैं कि हमने किसी अपने कलीग को कुछ
मोबाइल फ़ोन या किसी चीज़ का उपभोग करते देखा और उसकी राय उसके बारे में अच्छी है हमने सुना, और उसके बारे में दो तीन लोगों ने और बोला यार उसने वो सामान लिया है उसका यार परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो हमने एक राय बना लिया। अब हम जब भी लेंगे हम उस सामान को पहला प्रेफरेंस देंगे कि लेना है। तो जो परसेप्शन बनाया था वो जो हमारे दिमाग में बन गया छवि, वो हमारे क्रय निर्णय को प्रभावित किया। लर्निंग माने सीखना, लर्निंग का मतलब होता है सीखना। हम सीखते कैसे हैं, किताबों में पढ़े कुछ, मैगजीन में पढ़े, समाचार पत्रों में पढ़े, ऐड में देखे, या कुछ चीज़ का हमने हमको सैंपल मिला, उस सैंपल का उपभोग किया तो हमको लर्निंग हुआ, उसके बारे में अनुभव हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, वो भी हमारे क्रय डिसीजन को प्रभावित किया। यार वो उसका जो भी शैम्पू तेल वगैरह हमको मिला था, या कॉफ़ी का कोई पाउच मिला होगा, या चॉकलेट मिला होगा, यार खाए थे पिए थे अच्छा लगा, कोल्ड ड्रिंक पिलाए थे हमको, या किसी शॉप में गए, किसी मॉल में गए, वहाँ पे फ्री में कोल्ड ड्रिंक या कॉफ़ी पिलाया, बहुत अच्छा लगा तो मैं उसको लूँगा, तो वो सीखे थे हमने। या परसेप्शन में भी आता है वो मोटिवेशन। मोटिवेशन कैसे होगा, मोटिवेशन होगा दूसरों से प्रभावित होना, दूसरों से प्रभावित होना माने अगर हम हमारे दिमाग में किसी के बारे में कोई अच्छी छवि है तो वो तो जो भी बोलेगा उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, हम मोटिवेट होंगे। जैसे अगर लड़कियों की बात करें, अगर वो कटरीना कैफ या करीना कपूर या रानी मुखर्जी को अपना आइडल मानती है, तो वो जो भी टीवी में ऐड करेंगे कि हम ये चीज़ ये भी प्रोडक्ट का कंज्यूम करते हैं और इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो वो हमको मोटिवेट किया, अरे यार उसने तो किया है उसके लिए अच्छा है, उसके घने काले लंबे घने बाल है तो हम भी इस तेल को लगाएंगे तो काले लंबे घने बाल हो जाएंगे, उसने उस ड्रेस का ऐड किया था, उसने उस सैंडल का ऐड किया था तो हमको भी वो लेना है, तो उसने मोटिवेट किया। सेम पुरुषों के मामले में अमिताभ बच्चन ने किसी चीज़ को बता दिया, सलमान खान ने बता दिया, तो लोग उस चीज़ को ख़रीदने के लिए उत्साहित हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं कि यार हमारा आइडल है वो, उसने ये किया तो हम भी करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। सेम होता है फिजिकल नीड्स, इसमें अपनी शारीरिक आवश्यकता है, जैसे कपड़ा वगैरह आपकी शारीरिक आवश्यकता है तो ये मनोवैज्ञानिक आवश्यकता होगी, तो आप सबसे पहले इसको पूरा करेंगे, उसके बाद आपकी सेफ्टी की नीड्स होगी, जब अपने अपने फिजिकल नीड्स को पूरा कर लेंगे तो सेकंड आवश्यकता होगी सेफ्टी की नीड्स है ना। सेफ्टी की नीड्स में क्या होगा, सेफ्टी की नीड्स में होगा आपके सुरक्षा संबंधी आवश्यकता है, जैसे मान लीजिए आपने अपने कपड़े रहने मकान ये सब की आवश्यकता को पूरा कर लिया, तो सुरक्षा की आवश्यकता के लिए आप LIC को परचेस करेंगे, LIC के प्रीमियम्स को परचेस करेंगे, या किसी भी जीवन बीमा निगम के या किसी भी मेडिकल प्रीमियम को परचेस करेंगे, तो आपकी सेफ्टी की आवश्यकता हुआ, जो आपके मनोवैज्ञानिक मैंने आपके आपको बोला कि आपका अंतरात्मा आपके मनोविज्ञान आपको ये बोला कि ये आवश्यकता होनी चाहिए कि फ्यूचर की आवश्यकता को पूरा करे, फ्यूचर में सुरक्षा प्रदान करे। सोशल नीड्स, जब आपने इसको पूरा कर लिया सोशल नीड्स में क्या होगा, सामाजिक आवश्यकता, समाज में अपने आप को आप कैसा देखना चाहते हैं, आपकी जैसे भी पोजीशन होगी उसके बेसिस पे आप अपनी आवश्यकता को निर्धारित करेंगे, जैसे आप किसी अच्छे पोजीशन पे है अच्छे पोस्ट पे है तो आप कार लेंगे, उससे कम पे है बाइक लेंगे, तो ये सब सोशल नीड्स आपकी आवश्यकता को प्रभावित करेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट नीड्स या ईगो नीड्स भी बोल सकते हैं, आपकी कुछ ईगो रहती है, आपकी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि मेरे को ये चीज़ लेना ही है, ये चीज़ लूँगा तो ही मैं वहाँ पे मेरी रिस्पेक्ट होगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था पिछले पेज पे कि एक गंजा आदमी है वो अपने आप को डिमोटिवेट फील करता है, तो सोचता है कि अब यार मैं कंपनी चेंज करूँगा, यहाँ तो सब लोगों ने मेरे को गंजा देख लिया, नए कंपनी में जाऊँगा तो डेफिनेटली मैं हेयर विग लगा के जाऊँगा या ट्रांसप्लांट करवा लूँगा, या सेम कंपनी में रहते मैं ट्रांसप्लांट करवा लेता हूँ तो मेरी रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा, मैं दूसरों के सामने अच्छा दिखूंगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस, वैसे ही सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसा सेल्फ सोशल रिस्पेक्ट होता है सेल्फ रिस्पेक्ट होता है वैसे ही। नेक्स्ट होता है कल्चरल फैक्टर। कल्चरल का मतलब होता है सांस्कृतिक, इसमें क्या क्या आता है, रीति रिवाज, आपके जो भी रीति रिवाज होंगे उसी के बेस पे आपका क्रय डिसीजन प्रभावित होगा। जैसे हिंदू दुर्गा पूजा में
दीपावली में गणपति में परचेस करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी रीति रिवाज है कि वो इन उत्सवों में नए कपड़े पहने, घर की पुताई रंगाई करे। तो आपके क्रय डिसीजन को प्रभावित किया। एक मुस्लिम है वो ईद पे, रमज़ान पे या बकरा ईद पे जो भी होगा उस पे उसका क्रय निर्णय होगा, उस फेस्टिवल पे लेगा। सिख है तो गुरु नानक जयंती पे लेगा, गुरु गोविंद सिंह जयंती पे लेगा। ईसाई है तो वो क्रिसमस में या नए साल में लेगा। तो रीति रिवाज आपके क्रय निर्णय को प्रभावित करते हैं, माने कल्चर जो है वो आपका सामाजिक सांस्कृतिक कल्चर वो आपके क्रय निर्णय को प्रभावित किया। आस्था, आस्था के आधार पर भी आपकी क्रय निर्णय प्रभावित होती है। आप मंदिरों में जाते हैं तो पूजा पाठ के सामान खरीदते हैं, तो आस्था ने आपको क्रय करने के लिए मजबूर किया। मानदंड, आपकी कुछ एक मानदंड होती है, माने आपकी कुछ एक स्केल होती है, पैमाना होती है कि मेरे को अपने कल्चर को पूरा करना है तो ये सब खरीदना ही पड़ेगा, इसी के बेस पे मैं अपने कल्चर को पूरा कर सकता हूँ। जन्म मृत्यु, जैसे जन्म होगा तो खुशी में पार्टी दिया जाएगा, मृत्यु होगा तो मृत्यु भोज दिया जाएगा, या जो भी रीति रिवाज होंगे उसको पूरा किया जाएगा। तो जन्म मृत्यु भी एक कल्चरल फैक्टर है जो आपके क्रय निर्णय को प्रभावित करता है। फेस्टिवल्स जो मैंने यहाँ बोला था, रीति रिवाज वगैरह, फेस्टिवल जितने भी होंगे उसके बेसिस पे क्रय निर्णय प्रभावित होगा। तो कल्चरल फैक्टर में रीति रिवाज आते हैं, आस्था आते हैं, मापदंड आते हैं, जन्म मृत्यु आते हैं, फेस्टिवल आते हैं, तो ये सब आपके क्रय निर्णय को प्रभावित करेगा। दोस्तों पांचवा होता है सोशल फैक्टर, माने सामाजिक घटक। सामाजिक फैक्टर क्या होता है? समाज में सामाजिक का मतलब ही है हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हम ग्रुप में रहते हैं, समाज में रहते हैं। तो जब हमारी पर्सनालिटी हमको प्रभावित किया, पर्सनल फैक्टर, हमारी इनकम हमारे परचेस को प्रभावित किया है, हमारे पर्सनल इकोनॉमिकल फिजिकल मनोवैज्ञानिक कारण हमारे निर्णय को प्रभावित किया है, हमारे कल्चर हमको प्रभावित किया, जब हम समाज में रहते हैं तो ये सब तो मिला जुला इफेक्ट हमारे समाज पे ही आ रहा है। तो समाज में क्या होता है? हमारा फैमिली होता है। समाज में सबसे पहले समाज में आता है फैमिली। बच्चा फैमिली में जन्म लेता है तो फैमिली एक समाज हो गया उसके लिए। तो समाज में जो भी रहता है वो अपने फैमिली के आधार पे अपने क्रय निर्णय को प्रभावित करेगा। भाई माता पिता, हम पहले अकेले थे तो हमारी आवश्यकता अलग हुआ, हमारे माता पिता थे, हम थे, उसी के बेस पे हुआ। शादी हो गया, पत्नी हो गया, तो अब हमारे ऊपर पहले मैं खुद था, माता पिता था, तीन लोग थे, अब चौथा आ गया, फोर्थ वाइफ आ गई, तो इनकी भी आवश्यकता हमारे ऊपर आ गई, हमारे क्रय निर्णय प्रभावित हुआ। पहले हम 2,500 का खरीदते थे, अब 3,500 का माल खरीदना पड़ेगा, ग्रॉसरीज खरीदना पड़ेगा, या हमारी आवश्यकता उसके बेसिस में चेंज हो जाएगी, हमारी लग्जरी आवश्यकता, हमारी आवश्यकता उसके बेस पे चेंज होगी, क्योंकि अब 4 लोगों की आवश्यकता पूरी करनी है और हमारी इनकम हुई है। अब बच्चे हो गए तो बच्चों की आवश्यकता को पूरा करना है। तो फैमिली के आधार पर भी हमारी आवश्यकताएँ प्रभावित होती है, मतलब सॉरी हमारे परचेज डिसीजन प्रभावित होते हैं। रेफरेंस ग्रुप, अब फैमिली से निकल के थोड़ा सा बाहर आते, भाई फैमिली है तो हम तो उसके बेस पे किया। अब रेफरेंस ग्रुप भी हमारे क्रय निर्णय को प्रभावित करता है। जैसे फ्रेंड्स, कुछ फ्रेंड्स के पास अच्छे मोबाइल होंगे, अच्छे बाइक्स होंगे, अच्छे साइकिल होंगे, अच्छे कार होंगे, अच्छे शूज़ होंगे, अच्छे कपड़े होंगे, तो हमारा क्रय निर्णय भी उनसे प्रभावित होने बिना नहीं रह सकता। हमको भी लगेगा यार उसके पास है तो हमारे पास भी होना चाहिए, यार ये हमारे पास भी, यार ये आईफोन होना चाहिए। तो हमारा क्रय निर्णय हमारे फ्रेंड्स के बिहेवियर ने, उनके चीज़ों ने हमारे क्रय निर्णय को प्रभावित कर दिया। कल्चरल ग्रुप, सामाजिक ग्रुप, जहाँ हम उठते बैठते हैं वो हमारे क्रय निर्णय को प्रभावित कर देता है। जैसे फ्रेंड्स प्रभावित करते हैं वैसे ही कल्चरल ग्रुप भी हमारे क्रय निर्णय को प्रभावित करता है। प्रोफेशनल ग्रुप, अगर आप नौकरी में है तो अगर वहाँ पे लोग टाई, जूता, पैंट, अच्छे माने ब्रांडेड पैंट और कपड़ा पहन के आते हैं, लड़कियों के इसमें ट्राउज़र वगैरह या अच्छा सलवार कमीज या अच्छे जीन्स पहन के आते हैं, अच्छे मेकअप करके आते हैं, तो आपका प्रोफेशनल ग्रुप आपको प्रभावित कर रहा है कि आप भी उस काम को करें। तो ये प्रोफेशनल ग्रुप ने आपके क्रय निर्णय को प्रभावित कर दिया। आप खरीदना नहीं चाहते रहते पहले, लेकिन उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद, वहाँ पे जॉब करने के बाद आपको लगा कि यार यहाँ पे सब लोग करते हैं और मैं नहीं कर रही हूँ या मैं नहीं कर रहा हूँ, तो मैं शायद इनसे अलग दिख रही हूँ, मैं कट रही हूँ इनसे, मैं
मेरा सोशल लेवल कम हो रहा लगता है इनके पास, तो मैं उसको अपनाऊँ। तो ये प्रोफेशनल ग्रुप ने प्रभावित किया। रीजनल ग्रुप, अलग अलग रीजन होते हैं, अलग अलग जाति धर्म होते हैं, तो ये जाति और धर्म की भी अपनी सामाजिक रीति रिवाज होते हैं, वो भी आपके क्रय निर्णय को प्रभावित करेगा। दोस्तों सब कुछ एक ही है, सिर्फ पॉइंट्स को अलग कर दिया गया है। हमारे डे टू डे लाइफ में ये सब होता ही है, बस हम सोचते नहीं हैं। एक बार सोचना है और वही लिखना है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे दो पॉइंट्स दिया उसी को लिखे। आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, एग्ज़ाम में पढ़ के जाइए। भूल भी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा अगर पॉइंट्स पांच भागों में बांट के नहीं लिख सकते, आप एक साथ लिख दीजिए सबको, आय, जाति, आयु, रीति रिवाज, फैमिली, प्रोफेशनल ग्रुप, कल्चरल ग्रुप्स, कास्ट एंड सोशल ग्रुप, और उसको डिस्क्राइब कर दीजिए, उसमें भी नंबर मिलेगा। ऐसा लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, वैसा लिखेंगे तो भी नंबर मिलेगा। इससे कोई डरने की बात नहीं है। मार्केटिंग मैनेजमेंट बहुत ईजी चैप्टर है, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ। कल्चर और सोशल क्लास, जैसे यहाँ पे रीजनल क्लास है वही है, आपकी जाति, आपके धर्म, आपके विचारधारा, आपके सामाजिक वर्ग, जैसा भी आप जहाँ उठते बैठते होंगे वहाँ के लोगों की रहन सहन, दिखावट, बनावट, उनके चीज़ों की इस्तेमाल करने के तरीके, वो जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे, ये सब का इफ़ेक्ट हमारे क्रय निर्णय पर डेफिनेटली ही पड़ता है। आप चाहे नहीं खरीदते होंगे, लेकिन अगर आप उसमें पड़ते हैं तो आप एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि खरीदूँ या नहीं खरीदूँ, ये खरीदूँ या नहीं खरीदूँ के बीच में जो कसमकस होता है, यही है हमारे क्रय निर्णय को प्रभावित करने वाले घटक। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, 36-37 मिनट का हो गया, मेरे ख्याल से 45-50 मिनट का होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, पेशेंस से सुनिएगा, आधे में मत छोड़िएगा, पूरा सुनिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको लेक्चर देने के साथ साथ एक रेडीमेड नोट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसको आप पॉज करके या सुनने के बाद एक बार फिर से चला के नोट कर सकते हैं। बेटर होगा कि पूरा एक बार सुन लीजिए, फिर से एक बार सुन के नोट करिए। मैं अपनी स्टडी में यही करता था कि जो अगर वीडियो मिल गया था तो उसको मैं देख के समझता था, फिर से एक बार रिवाइज करता, रिप्ले करके उसको मैं नोट करता था। और अगर मैं बुक पढ़ता हूँ तो भी एक बार मैं थ्रोली पढ़ के चले जाता हूँ, उसको बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं करता हूँ। उसके बाद एक दिन बाद फिर से पढ़ता हूँ या पढ़ता था मैं, तो वो चीज़ें रिवाइंड होने लगती है कि हाँ ये मैंने पढ़ा था, याद होने लगता है। एक बार मैं पढ़ने से या एक बार लेक्चर सुनने से दोस्तों कभी भी कुछ याद नहीं होता है, समझ में नहीं आता है, एक दो बार सुनना पड़ता है। चलिए देखते हैं, दूसरा टॉपिक है फोर्थ चैप्टर का, स्टडी मेथड ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर के बिहेवियर जो होता है, ये सब तो हमने अभी तक पढ़ा था, जो भी पढ़ा था वो कंज्यूमर बिहेवियर को, परचेज डिसीजन को प्रभावित करने वाले घटक थे। अब एक अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए मार्केटिंग करेंगे, तो उसके लिए पहले आपको कंज्यूमर के बिहेवियर को समझना ज़रूरी है। तो इस बिहेवियर को समझने के लिए जो मेथड है वो 6 भागों में बांट सकते हैं। आपको याद होगा मैं शायद 6वें या 7वें वीडियो में रिसर्च के बारे में बताया था, मार्केटिंग रिसर्च, उसमें भी मेथड ऑफ रिसर्च में बताया था, वो ही फैक्टर्स यहाँ पे बताए गए हैं। उसमें काफ़ी डिटेल में बताया हूँ मैंने, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहे तो एक एक करके जाके देख सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पे मैं एक समरी में बता देता हूँ। पहला होता है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है आपका अवलोकन विधि, हिंदी में होता अवलोकन करना, अवलोकन विधि, ऑब्जर्व करना। हम बोलते हैं ना, हम बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रहे हैं यार, किसी जैसे आपका बॉस बोलेगा यार आई एम ऑब्जर्विंग यू आर नॉट डूइंग यूर वर्क परफेक्टली, बोलता है ना, ऑब्जर्व वर्ड यूज़ करते हैं, वही है। ऑब्जर्व करना माने ध्यान से देखना, और ये देखने का तरीका ये नहीं है कि आप वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट हो। तो इसमें क्या रहता है, कंज्यूमर को कैसे ऑब्जर्व किया जाता है आज के डेट पे, आजकल के डेट पे देखिएगा, आप जिस भी मॉल में जाते हैं या दुकानों में जाते हैं या किसी किसी मेले वगैरह में जाते हैं जो भी ऑर्गेनाइज़ किया जाता है बड़े बड़े कंपनियों द्वारा, वहाँ पे CCTV कैमरे होते हैं, ठीक है, साथ में एग्जीक्यूटिव वगैरह होते हैं, वो आपको देखते हैं आप क्या ले रहे हैं, आपने ये सामान उठाया देखा इधर उधर पलटा रख दिया,
फिर दूसरा उठाया रख दिया, तीसरा उठाया देखे लिए, तो ये ऑब्जर्व करता है कि आप क्या देख रहे हैं। नॉर्मली वो क्या नोट करेगा इसके बेस पे, आपने देखा रेट क्या है, वेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, तो ये जो ऑब्जर्व करेगा तो इसके बेस में क्या होगा, डिसीजन क्या लेगा कि आपका रेट कम होना चाहिए, आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, सेम रेट पे आपको अच्छा अधिक क्वांटिटी मिलना चाहिए, या उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट नियर ऑफ एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए। आप ये सब चीज़ें देखते हैं, तो ये सब चीज़ों को ऑब्जर्व करता है सामने वाला एग्जीक्यूटिव, और उसके बेस पे वो मार्केटिंग का निर्णय लेता है या अपने या सामान को रखने का निर्णय लेता है। कि जैसे अगर मैं मॉल खोलूँगा या आपने मॉल खोला, तो आप क्या करेंगे, उन सामानों को रखेंगे जो कम मूल्य की हो, कम कीमत की हो, उपभोक्ता उसको पसंद भी करे, उसकी एक्सपायरी ज़्यादा निकट ना हो, माने बहुत ही अच्छा बना हुआ हो, बहुत ही माने पास का बना हुआ हो, जैसे मार्च में बना हो अप्रैल में बिक जाए, ऐसा वाले सामान लेंगे तो आपके नुकसान ना हो। तो ऑब्जर्विंग मेथड में आप कंज्यूमर को ऑब्जर्व करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बेस पे आप सामान को बेचते हैं। इंटरव्यू मेथड, इसको बोलते हैं साक्षात्कार विधि। इंटरव्यू मेथड में क्या होता है दोस्तों, इंटरव्यू मेथड में होता है कि आप कुछ चुनिंदा कस्टमर को सेलेक्ट करते हैं और उससे एक टाइम लेते हैं और उनके पास जाके मिलते हैं और उनके पसंद नापसंद के बारे में कुछ क्वेश्चन करते हैं, उनसे बातें करते हैं, साक्षात्कार करते हैं और उसको नोट करते हैं, और उसके बेस पे आप एक पूरा का पूरा एनालिसिस करके डिसीजन लेते हैं कि आपको क्या बेचना है, या आपके शॉपिंग मॉल में क्या रखना है, या मैन्युफैक्चरर है तो उसको क्या प्रोड्यूस करना है। और ये जो इंटरव्यू होता है, ये जो इंटरव्यू है, ये इंटरव्यू किसी एक या दो कस्टमर का नहीं लिया जाता है, कुछ नंबर ऑफ कस्टमर का लिया जाता है, कुछ क्लास ऑफ कस्टमर का लिया जाता है। जैसे आपके मॉल में कोई हाई क्वालिटी के भी कस्टमर आते होंगे, अगर आपका मॉल है तो या दुकान है तो, कुछ लो क्वालिटी लो इनकम वाले कस्टमर भी आते होंगे, तो इन सब के ग्रुप ले लेंगे कि जो भी आपके यहाँ बार बार आते हैं, इनके साथ जाके मिलेंगे इन कस्टमर के सभी ग्रुप से, और उनकी रिक्वायरमेंट को जानेंगे, उसको नोट डाउन करेंगे, उसके बेस पे एक एनालिसिस करके उस तरह के सामान को बनाएंगे या अपने दुकानों में अपने मॉल्स में उस तरह के सामान को रखेंगे। क्वेश्चनरी मेथड, ये भी इंटरव्यू मेथड जैसा ही होता है, बट इसमें डायरेक्टली नहीं दिया जाया जाता, इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू किया जाता है, इसमें इनडायरेक्ट होता है। माने मतलब ये है कि आप कुछ क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं और उसको कई कॉपियों में, फोटोकॉपी या साकुलर स्काइल जो भी होता है, वो सब बना के उसको एक सेल्फ अटैच इन्वॉल्व के साथ कंज्यूमर्स को भेज दिया जाता है, और उनसे ये रिक्वेस्ट किया जाता है कि सर आप इसमें जो भी है उसको टिक करके हमको इस इन्वॉल्व में ढाल के हमको भेज दीजिए। साथ में इस कूपन, एक कूपन दिया जा रहा है, अगर आप इस कूपन को ले के आएंगे तो आपको इस सामान पे इतने परसेंट का डिस्काउंट दिया जाएगा या यह चीज़ फ्री में दिया जाएगा। तो भाई मैं तो कूपन के लिए इस तरह की चीज़ें करता ही हूँ कि फ्री में मिल जाए। तो क्या है, जैसे क्वेश्चन कैसे होगा, आपकी एज क्या है, आपकी आय क्या है, इनकम क्या है, आपके परिवार के सदस्यों की संख्या क्या है, आपके घर का साइज़ क्या है, 2 BHK 3 BHK डुप्लेक्स है, आप किस तरह की कार मेंटेन करते हैं। फिर जनरल क्वेश्चन आएगा, आपको हमारा कौन सा प्रोडक्ट पसंद है, उस प्रोडक्ट में कौन सी विशेषता है जो जिसके कारण आपको पसंद है, रंग के कारण पसंद है, सुगंध के कारण पसंद है, आप उसको हमेशा यूज़ करते हैं या नहीं, आप सोशल में समाज में उसके बारे में बताते हैं या नहीं है, आपको हमारे प्रोडक्ट में क्या चीज़ पसंद है, आपको हमारे प्रोडक्ट में क्या चीज़ पसंद नहीं है, आपको हम आपके हिसाब से हमारे प्रोडक्ट में क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, क्या खासियत है, ये सब के बारे में पूछ के आपसे डेटा इकट्ठा किया जाता है और उसका एनालिसिस करके उसके बेस पे आगे का डिसीजन मैन्युफैक्चरर लेता है। कंज्यूमर बिहेवियर, ये सब कंज्यूमर बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड माने व्यवहारात्मक पद्धति, इसमें क्या किया जाता है कि एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है। प्रयोग कैसे किया जाता है दोस्तों, प्रयोग करने का तरीका ये होता है कि सब मार्केट में नहीं, किसी एक मार्केट में कोई एक प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया जाएगा और उसके बारे में डाटा इकट्ठा किया जाएगा। जैसे सपोज हम सबको याद है कि हमने एक स्टडी, केस स्टडी पढ़ा था कोलगेट का, इसमें क्या हुआ था, कोलगेट का डिमांड आज भी अच्छा है, पहले भी अच्छा था, लेकिन डिमांड अच्छा होने के बाद भी इसकी सप्लाई कम थी। सप्लाई कम थी क्यों, क्योंकि इसका तो ट्यूब था। आप ट्यूब को गौर से देखिएगा, यहाँ पे एक
छेद रहता है जिससे पेस्ट बाहर आता है। और हम सब की आदत होती है, हम सवेरे उठाते हैं ब्रश को, ये ऐसा ऐसा कुछ ब्रश रहता है, और पेस्ट को ट्यूब को यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा खींचते हैं। तो उसमें क्या था कि यहाँ पे जो छेद था वो बहुत छोटा सा था, और आदमी यहाँ से यहाँ घिसता था तो बहुत पतला सा आता था पेस्ट, मुंह को धोता था। तो इसमें क्या होता था, पेस्ट अच्छा होने के बाद भी डिमांड जो है 45 दिन में या 50 दिन में आ रहा था, तो उनका सप्लाई कम था और सेल कम हो रहा था, जबकि मार्केट में डिमांड तो बहुत अच्छी थी, और डिमांड अच्छी है तो सेल भी अच्छी होना चाहिए। तो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ किया गया, सभी ने, काफ़ी सारे बुद्धिजीवियों ने अपने अपने बुद्धिजीवी जितने भी थे वन के, जो एग्जीक्यूटिव सेंस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वगैरह थे, उन्होंने अपने अपनी राय प्रोवाइड किया, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। तो उसमें एक मैनेजमेंट ट्रेनी था, उसने क्या बोला कि सर एक प्रयोग करके देखते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करके देखते कि हम ये करते हैं, हमारी जो ट्यूब है पेस्ट की उसमें ये जो छेद है, ये छेद को छोटा था इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते। सबने पूछा इससे क्या होगा, तो उसने क्या किया, एक टूथब्रश लिया और उस छेद में से पहले तो पतले छेद में से लगा के देखा कि पतला आ रहा है, ठीक है। दो चार लोगों को, लोगों ने बोला कि आप कैसे लगाओगे पेस्ट को, सभी ने खींचा। अब उसने क्या किया, उसी पेस्ट को ट्यूब को थोड़ा सा और काट दिया तो इसकी छेद बड़ा हो गया। अब फिर से नया ब्रश दिया, बोला कि आप खींचो, सभी ने खींचा, तो देखा कि पहले वाला पेस्ट जिसमें से लिया गया था 20 लोगों ने ले लिया था, उसके बाद भी ये इतना ही खाली हुआ था, लेकिन सेकंड ट्यूब में 20 लोगों ने फिर से लिया सेम साइज़ के ब्रश में, तो ये ट्यूब खाली होके यहाँ पहुँच गया। तो ये उसने ये बोला कि सर हमारी एक फ्रीक्वेंट आदत है, हमारी एक आदत है कि हम नींद से उठते हैं और पूरा का पूरा पेस्ट ऐसे घिस के ले लेते हैं, तो जब हम छेद को बड़ा कर देंगे तो ये जल्दी ख़त्म होगा, तो जो ऑर्डर हमारे पास 50 दिन में आ रहा है वो 20 से 25 दिनों में आना चालू हो जाएगा, तो हमारी सेल बढ़ जाएगी। तो इसने एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग करके देखा जाना, कंज्यूमर पैनल मेथड। कंज्यूमर पैनल मेथड में क्या होता है, कंज्यूमर की छोटी सी एक लिस्ट तैयार कर ली जाती है अलग अलग कैटेगरी के कंज्यूमर्स की, और उसको फ़ोन करके, जैसे मॉल वगैरह में देखे होंगे फ़ोन आता है कि सर हमारे यहाँ इस तरह के, सर हमारे यहाँ इस तरह के ऑफ़र चल रहा है, ये चल रहा है वो चल रहा है, आप ये लेंगे तो वो फ्री में दिया जाएगा, इस पे ये रेट फ्री है, उस पे वो डिस्काउंट है, तो फलाना ढिमका बहुत सारे ऑफ़र दिए जाते हैं। तो उसमें क्या जाता है, क्या किया जाता है, आप उनको पता है कि आप आपका नंबर क्या है, आपको एक कार्ड भी दिया जाता है कंज्यूमर नंबर का, तो जितने की लोगों को फ़ोन किया जाता है उनका हफ्ते भर के लिए एक ट्रैकिंग किया जाता है कि मान लीजिए 1000 लोगों को फ़ोन किया तो कितने लोग आए परचेस करने के लिए। वो कैसे ट्रैक होगा, जो कार्ड होगा उस कार्ड नंबर से वो एक कुछ प्रोग्रामिंग बना लेते हैं, उससे देखते हैं कि जितने लोगों को फ़ोन किया था उसमें से 800 लोगों ने आए खरीदने के लिए, तो उनके ऑफर्स जो है वो वहाँ पर काम कर गए। तो ये भी कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करने का मेथड है कि ऑफ़र दोगे तो लोग खींचे चले आएंगे। लास्ट होता है केस स्टडी। केस स्टडी में क्या होता है, हम अपने कंज्यूमर के आसपास के जो लोग होते हैं, आसपास के लोग का मतलब उनके फ्रेंड्स होना, रिलेटिव्स होना, या ऑफिस है तो उनके कोलीग्स होना, इनसे हम उस कंज्यूमर के बारे में जिनसे हमारा रिलेशन है उनके पसंद नापसंद के बारे में पता किया जाता है। या अगर फैक्ट्री के अंदर ही देखें तो इसमें क्या करेंगे, केस स्टडी में बहुत सारे एम्प्लॉय में से कुछ एम्प्लॉय को चुन लिया जाएगा और उनकी राय पूछा जाएगा उस प्रोडक्ट के बारे में। केस को स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे कि ये प्रोडक्ट आपको उपयोग करने के लिए हमने फ्री में सैंपल दिया है, आप इसमें बताओ कि इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या हमको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो उनकी पसंद नापसंद को देख रहे हैं, उसके बेस पे वो पूरे समाज के लिए या पूरे एरिया के लिए जहाँ पर भी वो प्रोडक्ट बिकता है उसके लिए डिसीजन लेते हैं, क्योंकि हम सभी कंज्यूमर है, चाहे वो आप किसी कंपनी में काम करते हो या कहीं पे भी कुछ कर रहे हो, हम सभी अपना 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 उपभोग करते हैं सामानों का। तो ये भी एक मेथड है कि अपने आसपास के एम्प्लॉय में ही सैंपल को बांट देना, इससे एम्प्लॉय भी खुश हो जाएंगे और आपको उससे रिलेटेड उनके जो भी बिहेवियर है उसके बारे में डेटा मिल जाएगा। तो केस का स्टडी हो गया दोस्तों। सेकंड नंबर का टॉपिक कवर हो गया। अब लास्ट है हमारा कंज्यूमर बाइंग
सॉरी बाइंग डिसीजन प्रोसेस या बाइंग प्रोसेस, ये भी हमसे ही रिलेटेड है। हम परचेस करते हैं तो हमारे डिसीजन लेने के तरीके क्या है, माने क्रय करने के मतलब है कि क्रय करने के तरीके क्या है। क्रय करने का तरीका हमारे डिसीजन को प्रभावित करता है। क्रय, कोई भी क्रय बिना डिसीजन के तो होता नहीं, कोई भी परचेस बिना डिसीजन के नहीं होता है। हम डिसीजन लेते क्रय करने का, क्रय करने के बारे में सोचते हैं, खरीदने के बारे में सोचते हैं, तभी खरीदते हैं। तो ये तो खरीदने के लिए जो डिसीजन लेते उसका एक प्रोसेस होता है, उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसके बेसिस पे हम क्रय करने का डिसीजन लेते हैं। इसको, इस प्रोसेस को दो भागों में बांट सकते हैं, लो इन्वॉल्वमेंट एंड हाई इन्वॉल्वमेंट। लो इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है, लो इन्वॉल्वमेंट का मतलब उन सामानों से होता है जिसका कि कॉस्ट कम होता है, जैसे टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, सर्फ, दैनिक उपभोग की डे टू डे कंज्यूम किए जाने वाले सामान, जिसमें कि अगर कुछ कमी हो भी जाए तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। हाई इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है कॉस्टली, महंगी सामान, जैसे कार खरीदने का डिसीजन, टीवी या रेफ्रिजरेटर खरीदने का डिसीजन या एसी खरीदने का डिसीजन, इसको लेने से पहले आप हज़ार बार सोचते हैं। कार खरीदना है तो ऐसा नहीं कि कार खरीदने का मन हुआ, जेब में पैसा भरे, दुकान में गए, माने शोरूम में गए, पैसा दिया और कार उठा के ले आए। भाई कार तो कम से कम 5 से 10 साल के लिए खरीदता है आदमी, 2-4 आदमी को छोड़ दे तो नॉर्मली सर्विस ग्रुप 5 से 10 साल के लिए कार खरीदता है। तो खरीदने के पहले कम से कम 100 बार तो सोचेगा, यार मैं वैगनार को ले लूँ, i10 ले लूँ, i20 ले लूँ, फोक्स वैगन को ले लूँ, या फलाना ढिमका बहुत सारे कार है उनको ले लूँ। तो आदमी का जो क्रय करने का डिसीजन होता है वो उसकी सोच पे और उसके एक प्रोसेस पे डिपेंड करता है। बिना आवश्यकता के कोई चीज़ खरीदा नहीं जाता है, और ख़रीदने से पहले एक प्रक्रिया को पूरा किया जाता है तभी क्रय किया जाता है। तो ये प्रक्रिया क्या होती, पहला नीड्स और प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन, माने आवश्यकता या समस्या का ज्ञान होना। आवश्यकता या समस्या का ज्ञान होगा तभी आप वस्तु को खरीदेंगे। सामान्यतः बिना आवश्यकता के कोई कुछ नहीं खरीदता है। प्रत्येक व्यक्ति की किसी उत्पाद या सेवा को क्रय करने का निर्णय तभी होता है जबकि उस उत्पाद या सेवा का आवश्यकता उसे अनुभव होती है। जैसे मान लीजिए आप ऑफिस में जाते हैं, नया जॉब ज्वाइन किया है और आप बस पकड़ के जाते हैं, ठीक है, बस से जाते हैं रोज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी आवश्यकता क्या है, आप बस पकड़ के जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, घर से पहले प्रॉपर टाइम से पहले आपको बस स्टॉप पहुंचना पड़ेगा, अदरवाइज बस मिस हो जाएगी, ठीक है। हो सकता है कि आपको ऑफिस में 9 बजे पहुंचना है लेकिन आप 8 बजे निकल रहे हैं क्योंकि 8:05 को बस आता है, तो आपको 7:45 या 8 बजे निकलना पड़ेगा, 15-20 मिनट पहले आप 8:05 को जाएंगे और ये बस आपको 8:30 पे ही ऑफिस में पहुँचा देता है, लेकिन 8:05 के बाद ये कोई दूसरा बस नहीं है, तो आपका 30 मिनट यहाँ बेकार हो गया, 15 मिनट यहाँ बेकार हो गया क्योंकि आपको निकलना पड़ा, करीब करीब 45 मिनट आपका बेकार हो गया, सेम आते समय भी 45 मिनट, माने आपका करीब करीब दिन का 1.5 घंटा बेकार हो रहा है। तो आप यार दिन का 1.5 घंटा बचाने के लिए आपके दिमाग में आएगा, यार काश मैं बाइक खरीद लेता, तो ये हो जाता। अब बाइक खरीदने की आवश्यकता आपको आ गई, आपको पसंद आ गया, पता लग गया कि मेरे को बाइक खरीदना है। तो ये जो आवश्यकता है, आपको सबसे पहले आवश्यकता का ज्ञान होना जरूरी है प्रोसेस में। आवश्यकता का जब ज्ञान हुआ तो खरीदने की रिक्वायरमेंट आई। बोलते ना आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो हम ये भी बोल सकते हैं आवश्यकता ही क्रय करने की जननी है। आवश्यकता होगा तभी खरीदेंगे। अब आवश्यकता के बाद दूसरा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन या अल्टरनेटिव सर्च। भाई आपको पता है आपको बाइक खरीदना है लेकिन कौन सी बाइक लूँ, भाई मार्केट में बजाज है, हीरो है, होंडा है, ठीक है, TVS है, एक्टिवा है, बहुत सारे बाइक है, नानान तरह के बाइक है, नंबर ऑफ बाइक अवेलेबल है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है भाई, तो इन्फॉर्मेशन लेंगे कि कौन से बाइक अच्छा है। कैसे इन्फॉर्मेशन लेंगे, यार बजाज में बजाज पल्सर भी आता है, बजाज डिस्कवर भी आता है, पल्सर आता है, डिस्कवर आता है, एक ही बाइक का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो मैं यार पल्सर लूँ या डिस्कवर को लूँ, पल्सर देखने में मस्त लुक का, यार ऐसी ऊंचा टंकी है, स्टाइलिश है, बैठने में लुक अच्छा आ रहा है, ये इकोनॉमिकल बाइक है, इसमें भी एक आध दो होता होगा प्लेटिनियम वगैरह जो भी, तो इसका रेट है मान लीजिए 75,000 रुपये,
ये आपको मिल जाता है 60,000 और कोई दूसरा भाई 50,000 में। तो आपकी आवश्यकता इन्फॉर्मेशन आपने इकट्ठा किया कि यार लुक के बेस में तो ये अच्छा है, ये आपको एवरेज अच्छा देता है, ये एवरेज थोड़ा कम देता है, महंगा है, तो आपने देखा। दूसरा अल्टरनेटिव देखा कि बाइक बजाज का लूँ या हीरो का ले लूँ, यार हीरो में भी अच्छे अच्छे आते हैं, रीसेल वैल्यू किसका ज़्यादा है, अगर मैं दो या तीन साल बाद इसको बेच के कार लेना चाहूँ या बुलेट ले लूँ, दूसरा अच्छा बाइक ले लूँ, तो इसका क्या मेरे को प्राइस मिलेगा। तो इन्फॉर्मेशन लेते आप, अल्टरनेट सोर्स सर्च करते, बजाज का लूँ या होंडा का लूँ या एक्टिवा ले लूँ, यार फैमिली बाइक है ये तो ले लिया, लेकिन इसमें मैं गैस सिलेंडर नहीं ला सकता, गैस सिलेंडर सामने रख के लेके आ सकता हूँ, पानी का बोतल मैं सामने फ़िल्टर का बोतल लगा के ला सकता हूँ, सामान खरीदा चावल का बोरी उसको मैं एक्टिवा में सामने ला रख के लाद के ला सकता हूँ। तो आपकी आवश्यकता, आपने इन्फॉर्मेशन, आवश्यकता के बाद आपने उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लिया कि कौन सी बाइक आपके लिए बेटर है, सुटेबल है। इवेल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव, इवेल्यूशन में क्या करते हैं, जब आपको ये अल्टरनेटिव पता लग गया कि इसमें ये है, आप इवेल्यूशन करेंगे, जैसे बजाज में पल्सर लेना है या प्लेटिनियम लेना है या डिस्कवर लेना है, तो आप इसका इवेल्यूशन करेंगे, यार इसका प्राइस कितना है, इसका प्राइस कितना है, इसका पर लीटर कितना माइलेज है, इसका पर लीटर कितना माइलेज है, सेम होंडा का पर लीटर कितना माइलेज है, उसका दोनों मॉडल का प्राइस कितना है। तो आपने इवेल्यूशन किया, अल्टरनेटिव्स का इवेल्यूशन किया। जो भी इवेल्यूशन क्या क्यों किया जाता है, क्योंकि आपकी जेब से पैसा जाएगा दोस्तों, आपके पास जितना पैसा है, मेरे पास जितना पैसा है, उसी में तो खरीदूंगा, ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी खरीद लूँ और पैसा मैं पे करते रहूँ, मेरे पास पैसा ही नहीं है, लोन पे ले लूँ और खाने का पैसा ही ना बचे। तो उस ऑप्शन को लिया जाता है जो मेरी जेब पे भी अच्छा हो, मेरे फ्यूचर खर्चे कम हो। तो वो आदमी अपने बेसिस पे लेता है, टीनेज होगा तो वो माइलेज वगैरह नहीं देखता, वो तो देखेगा लुक अच्छा है, एक एडल आदमी होगा या समझदार आदमी होगा वो बोलेगा यार लुक तो सही हो, लुक तो यार इसमें भी आ रहा है डिस्कवर में, लेकिन इसकी एवरेज ज़्यादा है, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कम है। तो हर आदमी की आवश्यकता अलग अलग होती है, तो उसका इवेल्यूशन का तरीका अलग अलग होता है। बाइंग डिसीजन पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है दोस्तों, पर्सन टू पर्सन। ट्रायल एंड टेस्ट, आपने कार या बाइक को तो पसंद कर लिया कि यार मेरे को डिस्कवर लेना है, सॉरी पल्सर लेना है या डिस्कवर लेना है, अब आप ये तय करेंगे, या कार लेना है कि अपने i10 लेना है या वैगनार लेना है, तो आप उसका टेस्ट करेंगे यार चलाने में कैसा लगता है, बिना टेस्ट के ले लिए और यार पैसा दे के ले लिया और वो मज़ा ही नहीं आ रहा चलाने में, तो फिर तो आप तो उसको वापस कर नहीं सकते, बेकार हो गया यार, आपकी रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो पा रहा है यार, मज़ा नहीं आ रहा है इसको लेके। सेम वैसे खाने पीने की चीज़ लेंगे तो आप उसको टेस्ट करके लेंगे, भाई किसी दुकान में गए, हलवाई की दुकान में, बोले यार ये मिठाई कैसा है, ये मिठाई का रेट ये है, तो आप तुरंत लेके नहीं आ जाते 500 रुपये किलो का, आप बोले यार थोड़ा सा चखा के दिखाओ, वो भी चखा के दिखाएगा आपको, आपको पसंद आया 2-3 मिठाई में से, हाँ भाई ये मिठाई पसंद आ रहा है इसको पैक कर दो। सेम बाइक या कार के केस में होता है, भाई मेरे को ये पसंद आ रहा है लेकिन मैं इसको तभी लूँगा जब मेरे को ये पसंद आएगा, तो जब भी वो पसंद आएगा तो उसके लिए आपको टेस्टिंग करना पड़ेगा, ये टेस्ट करना पड़ेगा। अब टेस्ट कर लिया आपने i10 और वैगनार, तो परचेज डिसीजन लेंगे, कैसे लेंगे, या टेस्ट किया तो वैगनार मेरे को पसंद आया, इसका रेट भी ठीक है लूँगा, या मेरे को i10 का रेट भी सही लगा, मेरे बजट में आ रहा है, इसका एवरेज भी सही है, लुक वाइज भी अच्छा है और चलाने भी अच्छा आ रहा है, सोशल स्टेटस भी मेरा अच्छा बनेगा, मेरे दोस्तों के पास भी i10 है तो मैं भी उसी ग्रुप में हूँ तो मेरे पास भी i10 आ जाएगा। तो आपका डिसीजन परचेस का अब इसके बाद आया, माने परचेस का जो डिसीजन होता है उसमें पहला होता है आवश्यकता को पहचानना, अल्टरनेट या इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना, फिर उस इन्फॉर्मेशन का इवेल्यूशन करना, मूल्यांकन करना, फिर मूल्यांकन हो गया दो ऑब्जेक्ट का तो दोनों का टेस्ट करना, टेस्ट के आधार पर आपने डिसीजन लिया खरीदना किसको है। अब जब खरीद लिए आपने यूज़ कर लिया तो आप उसका एक बार ये करेंगे पोस्ट परचेस इवेल्यूशन, नॉर्मली लोग करते हैं बड़े सामान के केस पे, जैसे आपने कार खरीदा तो जब आप 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार 50 बार चलाएंगे, फिर आप इवेल्यूट करेंगे दिमाग में, यार मैंने लिया था वैगनार ले लिया हूँ लेकिन i10 चला रहा था तो उसमें ये फैसिलिटी वैगनार में नहीं है, या i10 में ये फैसिलिटी तो नहीं थी, या डिस्कवर के बाइक में ये फैसिलिटी तो नहीं थी लेकिन पल्सर में ये फैसिलिटी है,
तो मेरा बाइंग डिसीजन अच्छा है। लेकिन अगर आपका डिसीजन नेगेटिव आया, जैसे यार मैंने ये ले लिया लेकिन इसमें मैंने ये सोच के लिया था कि इसका एवरेज भी अच्छा रहेगा, इसके सर्विस कॉस्ट कम आएंगे लेकिन सर्विसिंग चार्जेस ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपका डिसीजन आपको नेगेटिव थिंकिंग की ओर ले गया। और अगर आपने जो चीज़ भी चाहा था वो सब आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाएगा। तो आपका जो प्रोसेस है डिसीजन लेने का, ये कस्टमर का डिसीजन प्रोसेस है, आपका और मेरा डिसीजन प्रोसेस है। समझ लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू, आपको कार लेना है तो कार क्यों लेना है? आपने जॉब ज्वाइन किया, देखे कि बस में जाना है तो आपकी आवश्यकता हुई कार बाइक लेने की, या बाइक है तो आप बोले कि यार बाइक पुराना हो गया, अब धूल धक्कर आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा, तो कार ले लूँ, तो आपकी आवश्यकता हुई है तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेंगे। यार मेरे को कार लेना है तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेंगे? इन्फॉर्मेशन अपने आसपास के लोगों से लेंगे, न्यूज़ से लेंगे, न्यूज़पेपर से लेंगे, शोरूम में जाके पता करेंगे उसके बारे में। तो इन्फॉर्मेशन ले लिया आपने, इन्फॉर्मेशन तो उसका मूल्यांकन करेंगे कि कौन सी कार अच्छी है, कौन सी बाइक अच्छी है, किसकी माइलेज अच्छी है, कौन सी लुक वाइज अच्छी है, किसकी सर्विसिंग चार्जेस आगे फ्यूचर में कम होने वाली, किसकी इंश्योरेंस चार्जेस आगे फ्यूचर में कम होगी, तो ये मूल्यांकन किया आपने कॉस्ट बेसिस में। कॉस्ट बेसिस में मूल्यांकन करने के बाद आपने एक टेस्टिंग लेंगे, चला के उसका टेस्ट ड्राइव लेंगे दोनों, जिस भी मॉडल को आपने पसंद किया, दो या तीन मॉडल, दो या तीन कंपनी, सबका टेस्टिंग लेंगे और फिर आप उसको एक मूल्यांकन करेंगे कि इसमें ये फैसिलिटी है, इसमें नहीं है, तो मेरे को ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वो डिसाइड करने के बाद आपने सामान को खरीद लेंगे। खरीदने के बाद जब आप उसका लगातार उपभोग कंज्यूम करने लगेंगे, तब आप ये अपने मन में या अपने दोस्तों के साथ ये डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे, यार इसमें ये फैसिलिटी है, उसमें ये नहीं थी, या इसमें ये फैसिलिटी मेरे को नहीं मिल रही है, क्या करूँ? तो पोस्ट परचेस इवेल्यूशन करते, यार इसमें इनबिल्ट म्यूजिक सिस्टम है लेकिन इसकी आवाज़ मेरे को पसंद नहीं आ रही है, धमाकेदार नहीं आ रही है, तो दोस्त बोलेगा इसमें कुछ बूमर वगैरह लगवा लो या अलग से स्पीकर ऐड करवा लो। तो पोस्ट परचेस इवेल्यूशन आपने किया, आपने बाइक लिया, बोले इसका एवरेज जो है डाउन हो रहा है, तो आप सर्विसिंग में जाओगे तो क्या बोलोगे? दोस्त इसकी जो माइलेज है वो ठीक नहीं दे रही है, इसमें चैलेंज करता है कि 1 लीटर में 65 किलोमीटर जाएगा लेकिन मेरा 1 लीटर में यार ये 45 या 50 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जा रहा है। तो सर्विसिंग वाला बोलेगा ठीक है सर, मैं इसका एवरेज रिसेट करता हूँ। तो पोस्ट परचेस इवेल्यूशन हो गया आपका। ये दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर से रिक्वेस्ट करूँगा यदि आपको ये वीडियो पसंद